अल्लाह जी तुहानू एक शख्सियत नाल मिलाउंदे जी। हाँ जी, क्या हाल है जी? सत श्री अकाल। राम राम जी, की हाल चाल है? ठीक है। क्या है इंतजाम यह बनाया तुसी? बड़ा वधिया है। एक मिनट पहले दिखा दा, मोबाइल वर्कशॉप। वाह जी वाह, जय श्री राम। की शुभ नाम की थोड़ा? मेरा ही आशु विनायक है। आशु विनायक, आ कर लिए पप, थोड़ा इसकी आवाज घटा दिए, बंद कर देनी। हाँ, बहुत वधिया जी। तुसी उपराला किया, ये रोज निकल दे तुसी काम ते इस तरीके नाल? हाँ जी, डेली तो बत्ती करके आवणा, सवेरी काम ते निकल जाने। अच्छा अच्छा, मैं पहला स्रोतियां नू, बल्ले बल्ले फिल्म जन रिकॉर्ड दे स्रोतियां नू जिहड़ा है दस दिया के की नाम दस्सिया तुसी अपना? मेरा ही आशु विनायक। आशु विनायक है जी, कुराली शहर दे विच घूम रहे ने, और इन्होंने एक गड्डी बनाई है बहुत वधिया। इन्हां दी गड्डी तुहानू दिखा रहा मैं, पहला तां मैं चाहांगा कि गड्डी नू सारा देखे। एक मिनट आशु जी, साइड ते हो जाओ जरा। वाह जी वाह, शुभ लाभ। पूरा इन्होंने दुकान बनाई है जी, चलदी फिरदी, बहुत अच्छा। विनायक वेल्डिंग वर्क्स, स्टील वेल्डिंग, आयरन वेल्डिंग, पलंबर वर्क, फिटिंग ऑफ इलैक्ट्रिकसिटी एंड ऑल टाइप्स ऑफ रिपेयर वर्क्स। वाह जी वाह, इत्थे पेंट अते प्राइमर, पेंट प्राइमर का काम भी करदे हो तुसी? वाह जी वाह, तसली बख्शा ते बहुत घट रेटा ते किता जांदा है। मोबाइल नंबर लिखिया जी 9041100674, विनायक वेल्डिंग वर्क्स। वाह जी वाह, बहुत अच्छा जी। और पिछले पासे जेकर असीं गड्डी ते निगाह मार दें तां विनायक वेल्डिंग वर्क्स, चलती फिरती वर्कशॉप। आशु जी एक मिनट आऊंगे जरा अगे, ये तुसीं लिखिया टांगा शहर कराली, लिखिया पिछे टांगा शहर कराली, कहते लिखिया? जब मैं बना रहा था ये, मैं सोच रहा जी पिछे क्या लिखावा, भी मेरे मैं नदी पार के प्रधान जी ने मिलिया। अच्छा। उन्होंने पूछा जी, मैं सवाल करा मैं पिछे क्या लिखावा, उन्होंने कहता भी टांगा शहर कराली लिखा दे। मैं मतलब क्या जी, वो कहन लगे भी कहते भी थोड़े 82-80 के करीब कोई गाना चलिया, टांगा चलिया शहर कराली। अच्छा, 1980-1982 के लगभग कोई गीत आया सीगा, टांगा चलिया शहर कराली। कराली, हाँ जी, अपनी फिर टांगा शहर कराली लिखाते जी। अरे वाह जी वाह, टांगा शहर कराली। इत्थे स्टील वेल्डिंग, लोहे की वेल्डिंग, पलंबर का काम, बिजली की फिटिंग, सारे काम तुसी आप करते हो? हाँ जी हाँ जी, सारे रिपेयर के काम किए जाते हैं, अते इत्थे पेंट अते प्राइमर का काम भी किया जाता है। हाँ जी पट्टी साहब, की हाल चाल ने जी? आ देखो जी, इन्होंने आशु जी ने उपराला किया, एक गड्डी बनाई है, स्कूटर ही इन्होंने गड्डी कन्वर्ट किया है। असल में मैं स्रोतों दिखाना चाहूँगा भी स्कूटर, देखो जी क्या सोहना स्कूटर इन्होंने करया, स्कूटर का बकायदा नंबर है, और ये चलती फिरती वर्कशॉप इन्होंने बनाई है। आशु जी इतने आज जरा अगे आज इतने गड्डी भी दिखी जाऊगी थोड़ी, ना थोड़े गलबात करते हैं। की ख्याल आया मन में थोड़े कि मैं एक इस तरह की गड्डी बना के काम करा? बाजी तकरीबन मैं पहला 20 साल काम कर रहा थे किसी दुकान से। अच्छा। भी सोचिया भी अपना काम कराया जाए, कोई बहुत यतन करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कपड़े का काम करे, नहीं चलिया। मैं सोचिया म्यूरी गड्डी बैठता हूँ, देखिया भी गड्डी म्यूरी, मैं 1,30,000 रुपया खर्चन की हिम्मत नहीं सी, मैं इसी पर 10,000 रुपया ला के अपना गड्डी तैयार कर ली है, नाले उसका शौक भी पूरा हो गया, मेरी चलती फिरती वर्कशॉप भी बन गई है। अच्छा, काम मैं बहुत वधिया आ रहा, जानी कि ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਟੂਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਟੂਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਟੂਲ ਬੋਕਸ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੂਲ ਬੋਕਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਕੰਮ? ਬਸ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਰੋਤਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਲੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਔਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕੁਟੀਆ ਜੀ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ,
हौसले बारे की गल कर बहुत वधिया काम है बहुत मेहनत करी बिलकुल रब सफलता दे जी इन्हों नू और बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी आ तुसी अगे बनाया हुआ जी पैसे भी कुछ पाए हुए ने जी मैं लोग मैं अपना 10% दे विच हिस्सा कढ़दा हां अपना। अरे वाह जी तुसी अपने जो कमांदे हो ओदा 10% तुसी इहदे विच पा देंदे हो 2-4 सौ जो डेली कमाई दा अपना 10% जी कढ़ दईदा। अरे वाह जी वाह दसवंध भी कढ़ देंदे जी नाल दी नाल ही देखो जी। हरबंस जी जरूरी नहीं भी आपां जिहड़ा है मंदिरां गुरुद्वारियां च जाके मत्थे रगड़ीए असीं मेहनत करिए और उहदे विच दसवंध कढ़ के पाईए तां बाबे नानक वाला जिहड़ी फिलोसफी है ओह आप ही कवर होगी। दसा नौहां दी किरत होगी दसवंध जिहड़ा है ओह भी निकल गया। बहुत वधिया जी बड़ा वधिया लग रहा जी। और की दिक्कतां मुश्किलां की आंदियां थोनों कोई जिदा तुसी गर्मी बहुत है बाहर निकलते हो तो तुसी ये काम करने बारे सोचा तो की थोड़ा सुनेहा की है भी काम बारे की होना चाहिए काम कोई भी कर लेना चाहिए बंदे नू या किस तरह है या कोई संकोच कभी संकोच आया तो झिझकाई भी मैं यार ये की जगाड़ बना रहा लोकी की कहणगे अंडर रह के काम करदे जी असीं सारा कुछ करना पैंदा गर्मी च कपड़े भी मैले चले पाने हुण असीं अपने अपने आराम नाल निकली रहा। अच्छा हुण तुसीं अपने काम दे मालक आप हो कोई अपना हुण घंटा ला दी कितें 2 घंटे ला दी अपना है टाइम बिल्कुल आपां चाहुंदे आ भी सारे वर्करां नूं भी इह मैसेज देना चाहुंदे भी अपना काम सीखो अपना काम करो अपना ही वधिया रहेगा तां वधिया 4 पैसे अपने कोल होणगे वधिया रुजगार चलेगा। अच्छा कोई संकोच दी कोई जरूरत नहीं मतलब तुहाडे कहण दे मुताबिक बच्चियां वास्ते करां जी होर किहदे वास्ते करना काम काम विच कोई संकोच नहीं होना चाहिए और कोई शर्म नहीं है कोई देख रहे अपनी गड्डी नूं कोई मजाक उड़ावे कोई सीरियस लवे कोई वधिया कहे अपन सब कबूल है। इस चीज़ ना कोई लेना देना नहीं है तुहानू सिर्फ अपनी मेहनत करनी है ते काम करना है। देखो जी बहुत वधिया एक जिहड़ा चलदी फिरदी वर्कशॉप चला रहे ने आशू जी और सुनेहा जिहड़ा बहुत अच्छा दे रहे ने भी आपां अपने बच्चों वास्ते काम करना और काम की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और सब तो वड्डी गल मैनूं अच्छी लगी कि दसवंध भी जिहड़ा है ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਣੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਗੱਲਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਆਪਣਾ 10% ਜੇ 500 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਗੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੀਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ क्या कर रहे हैं तुसी बंद कर लेने मोटरसाइकिल नूं। देखो जी असी एक मेहनतकश इंसान दिखाया तुहानू दूसरे भी मेहनतकश दिखा रहे मेहनतकश इंसान की जिहड़ी है कदर होनी चाहिए मोटरसाइकिल दे उत्ते बच्चे निकलन की नाम है तेरा बेटे रोहित राम रोहित राम हाँ जी रोहित कुमार रोहित कुमार ए गगन क्या नाम पुत्र गगन गगन क्या लगता तेरा भाई है हाँ जी सके भरा दोवें हाँ जी। अच्छा काम ते निकलदे हो मोटरसाइकिल ते पिंडां च भी जांदे हो नहीं शहर 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 च फिरदे हो। वाह जी वाह देखो जी मेहनत करनी अते मेहनत करके खाना वह बड़ा ही वड्डा काम है इन्हों सलूट है सलाम है। इधर खड़े ने आशु जी जिहड़े कि एक गड्डी बना के इन्होंने अपने कोलों दी एक साधन बना लिया सोचा भी किवें काम कराया जाए वेले भी रहे और अखीर इन्होंने आइडिया लिया कि सारे कुछ इस करके एक मोबाइल वर्कशॉप बना के असी तोरीए। होर भी तुसीं पढ़ाई नहीं करते पढ़ाई नहीं कर रहे पैसे कितने घर देंदे हो सारे कितने देंदे हो क्या करदे हो जिहड़े हैं खर्चे वास्ते दिंदे हो किन्ने भैन भरा तुसी एक भैन दो भाई। अच्छा मम्मी मम्मी नूं जाके पैसे दिंदे हो डैडी नूं दिंदे हो मम्मी नूं दिंदे मम्मी नूं पैसे दे दिंदे हो जाके जो कमांदे हो वाह जी वाह इहो जिहे सरवण पुत्तर जी देखो जी मां नूं अपने कमाई जाके दे दिंदे ने सारा दिन गलियां विच घुम्मदे ने मोटरसाइकिल रख्या होया ठीक है काम करन दा कोई ना कोई साधन जरिया बनाया होया कमांदे ने कमा के तेल पा के चलदे ने। हाँ जी हुण आशु जी वल दुबारा आंदे जी आशु जी क्या रिस्पोंस है दुनिया आ तुसी आ गीता सार भी लिखिया होया इत्थे ठीक है जी गगन जी ओके जी बाय बाय गीता सार लिखा जी जो हुआ वह अच्छा हुआ जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है। मैं भी पढ़ देना स्रोते भी सुन लेंगे एक बार गीता सार पढ़न का मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता अपन और ये लिखा जी जो हुआ वह अच्छा हुआ जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया
तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो कुछ आपके आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। वाह जी वाह। गीता सार लिखने का विचार थोड़े अपने माइंड च आया किस तरह? हाँ जी, अपने माइंड च आया जी। मैं हूँ पिछले सोसायटी का काम भी कर रहा था, एक कैमनोक्रेडिट सोसायटी। अच्छा। वो सोसायटी भज गई, मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान होया। तुहाडा? हाँ जी, मेरा खुद का 10 लाख का होया। मैं होर भी पैसे लगवाए भी सी, उन्होंने भी काफी नुकसान है, पर मैनू अपने पैसे का काम नहीं है। अच्छा। लोगों के पैसे का काम है। अरे वाह जी, डुबे ने। मेरा 10 लाख गया, कोई गल नहीं, परमात्मा फिर दूगा, मेहनत करांगे, कमावांगे। अच्छा, फिर तुसी आ गीता सर ये सोच के लिख दिता भी तेरा क्या था जो तूने खो दिया ना, तुम क्या लाए थे जो तूने खो दिया है? आप दवाइयां दा भी थोड़ा जा ठीक है, ये भी तुसी 20 साल दा काम करे था, एक्सपीरियंस है दवाइयां दा, अपन 4-5 दवाइयां अपन बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। अच्छा, दवाइयाँ भी कुछ नुस्खे इन्हों को है फ्री देंगे ने। बहुत वधिया जी गड्डी तुहाडी, साडिया शुभकामनावां जी तुहाडे वास्ते। कुराली दे विच ते आले दुआले दे पिंडां विच घूमदे ने। इन्हां दा मोबाइल नंबर एक बार मैं फिर तो दिखा दिंदा कि इन्हां दा फोन करके तुसीं, जेकर तुहानूं कोई फोन करे फिर भी तुसीं उस कोल पहुँच जाओगे बंदे कोल जी। आ नंबर मैं फ्लैश कर रहा जी इन्हां दा, 9041100674। आशु विनायक जी हैं इन्हां दा नंबर है। और काफ़ी कम है, फरनैल वगैरह भी इन्होंने कोल ही होंगी है। और यह गली गली पिंड पिंड घूम के अपना रुजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहो जे लोगों साडा सल्यूट बनता है। ठीक है जी आशु जी, बहुत बहुत शुभकामनावां, डटे रहो, परमात्मा भली करे।